मेरे फ्रेंड्स, हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लासिक 7, 8, 9, 10, 12 सभी के लिए एवं साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सम्मिलित सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो ऊपर लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, और पहले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। थर्ड की बात करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ होता है ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू बात करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी, जो फोर्थ है ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी। यहीं पर फिफ्थ की बात करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू अर्थात ए प्लस से रिलेटेड है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी, अर्थात जो फोर्थ नंबर का सर्व समीकरण है उसको हम पक्षांतर कर देंगे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी। जब प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी को हम पक्षांतर करेंगे तो सर्व समीकरण नंबर फिफ्थ अर्थात 5 प्राप्त हो जाएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हम सर्व समीकरण नंबर 6 की बात करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब एक ट्रिक से संबंधित ये बात है सिक्स में कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू बात करेगा तो जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्लस में होता है, और यहीं पर ए क्यू माइनस बी क्यू बात करेगा तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में माइनस की बात होता है। तो हम सर्व समीकरण नंबर 7th की बात करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये भी कंप्लीट है जो सर्व समीकरण नंबर 4th के जैसा है, बस इसमें माइनस है और 4th में प्लस है। सर्व समीकरण नंबर 8 की बात हम लोग करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू अब सर्व समीकरण नंबर 6 को हम माइनस 3ab को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में तब्दील हो जाएगा, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab क्वेश्चन में ए माइनस बी। सर्व समीकरण नंबर 8 को हम पक्षांतर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सर्व समीकरण नंबर 9 की बात करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात इसमें एक बार और इसको देख लीजिएगा, सर्व समीकरण नंबर 9 ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है एक क्वेश्चन में ए माइनस बी या दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पर बी पे क्यू लिख दिया गया है मिस्टेक से, वह बी स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। हम सर्व समीकरण नंबर 10th की बात करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca होगा। सर्व समीकरण नंबर 10th है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। अब जितने भी सर्व समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इन सर्व समीकरण को पक्षांतर करके भी कई सूत्र बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अब हमसे इसको इसमें जो सर्व समीकरण दिया हुआ है इसमें प्लस 2ab को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी तरह जितने भी सर्व समीकरण दिए गए हैं इसको पक्षांतर करके किसी का भी मान निकालना हो तो इस तरह हम मान आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और एक सौर समीका के माध्यम से कई सूत्र बना करके सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये मैथ का सौर समीका है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस सर्व समीका को अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दें ताकि उसको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो वेलकम अगैन, थैंक यू, जय भारत माता, जय हिंद, जय भारत।